हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी। ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का सेकेंड वीडियो है और इससे पहले हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था रिलेशंस एंड फंक्शंस का। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। इंट्रोडक्शन में देखा था बेसिकली हमने ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होता है ये देखा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था दो सेट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट तीन सेट के लिए भी हमने फाइंड किया था और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखा था। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और पहले आप उस फर्स्ट वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट की बात की है जो कि इस वीडियो में यूज़ होगा और उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्वेश्चंस निकालेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस फाइंड करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट के बिना आप ये वीडियो देखेंगे भी तो आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट की बात करें यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर की जो बात करेंगे, तो उसका जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है तो उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, इफ ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है वो इक्वल है, ठीक है, अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है इक्वल तभी होता है जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एलिमेंट्स दिया है ऑर्डर्ड पेयर का उसे हम इक्वेट करेंगे, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। तो x, पहला जो एलिमेंट है x बाय थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फाइव बाय थ्री, x बाय थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फाइव बाय थ्री, ठीक। तो इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे x बाय थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू फाइव बाय थ्री माइनस वन, यानी कि टू बाय थ्री, ठीक है, फाइव बाय थ्री माइनस वन टू बाय थ्री। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू टू, ठीक है, एंड ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, अब y की निकालनी है। जो सेकेंड एलिमेंट से y माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होगा। तो y माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री बाई थ्री यानी कि वन, ठीक। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली टू एंड y की वैल्यू फाइंड कर ली वन। इस तरीके से हम किसी भी अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा तो हम उसमें जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जब हमारे पास जो ऑर्डर पेयर वो इक्वल है उसका जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होगा। तो ये इक्वालिटी की बात हो गई ऑर्डर पेयर की। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ये वन टू थ्री एंड बी इज इक्वल्स टू थ्री फोर एंड सी इज इक्वल्स टू फोर फाइव सिक्स, तीन सेट दिया गया है ए बी सी, फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। यहाँ पे बेसिकली सेट की बात हो रही है। तो हमारे पास तीन सेट है ए बी सी, उसकी हेल्प से हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। तो हमने ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है दो सेट का, ठीक है, और सेट भी पढ़ा हुआ है बी, अगर हमारे पास इंटरसेक्शन है यूनियन है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता होगा अगर आपने सेट पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये वैसे भी टोटली सेट पर ही डिपेंड है। चलिए इस पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो सबसे पहला जो है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है, तो इसमें जो है ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे जो आएगा हमारा आंसर उसको ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी कि ए क्रॉस जो ये रिजल्टेंट आएगा वो, ठीक। तो बी यूनियन सी निकालते हैं, बी यूनियन सी, ठीक। तो यूनियन में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबको कंबाइन करके लिखते हैं। तो यहाँ पर बी क्या है थ्री फोर और C क्या है फोर फाइव सिक्स, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो थ्री फोर
फोर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक बार लिखेंगे ठीक है. एंड फाइव सिक्स, तो बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. ये हमारा बी यूनियन सी आ गया. अब ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना था, ए क्रॉस बी यूनियन सी. तो ए क्या है, ये वन टू थ्री. अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है. तो जब वन टू थ्री, वन टू थ्री एंड क्या है ये थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव सिक्स. बी यूनियन सी क्या है, थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर फाइव सिक्स. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, इसे हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं डायग्राम के हेल्प से, और एरो डायग्राम के हेल्प से, और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे निकालते हमें क्या करना होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वन बाय वन सबके साथ हम पेयर करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं. तो यहाँ पे अगर हम वन की बात करें तो वन थ्री के साथ पेयर अप होगा, फोर के साथ होगा, फाइव के साथ होगा एंड सिक्स के साथ होगा, ठीक है. उसी तरीके से टू है वो भी टू थ्री के साथ होगा, फोर के साथ होगा, फाइव के साथ एंड सिक्स सिक्स के साथ होगा, ठीक है. फिर थ्री का ऐसे ही करेंगे, तो चलिए लिखते हैं. जब वन का करेंगे तो वन कॉमा थ्री, वन कॉमा फोर एंड वन कॉमा फाइव, वन कॉमा सिक्स. अब टू की बात करते हैं, टू कॉमा वन, सॉरी टू कॉमा थ्री, टू कॉमा फोर, टू कॉमा फाइव एंड टू कॉमा सिक्स. अब थ्री की बात करते हैं, थ्री कॉमा थ्री, थ्री कॉमा फोर, थ्री कॉमा फाइव एंड थ्री कॉमा सिक्स. तो ये हमारा सेट आ गया है जब हम ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है. तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी इसी तरीके से करना है, बस हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ठीक है. हमने यहाँ पे यूनियन निकाला था बी यूनियन सी, अब क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी. तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं. बी इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होता है यानी कि कॉमन नंबर्स जो होते हैं उसे हम लिखते हैं. तो बी एंड सी, ठीक है, इन दोनों सेट में आपको कॉमन एलिमेंट्स कौन सा दिख रहा है, ऑफकोर्स फोर जो है दोनों में कॉमन है, ठीक. और बाकी इसके अलावा और कोई एलिमेंट यानी और कोई नंबर नहीं है जो कॉमन हो बी एंड सी में. तो इंटरसेक्शन में बेसिकली हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट है वो है फोर, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट में कॉमन हो. तो इंटरसेक्शन हो गया. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारा जो बी इंटरसेक्शन सी है वो फोर है और ए क्या है वन टू थ्री. अब वन टू थ्री जो सेट है और जो सेट बी इंटरसेक्शन सी है इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है. तो जब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ठीक है. अगर हमने ये होगा कुछ इस तरीके से, अगर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, यानी कि हमने फोर यहाँ पे लिखा और वन टू थ्री इधर लिखा, ठीक है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस सी ए लिखा, बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस ए लिखा, ठीक. तो इसका जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो चेंज होके आएगा, यानी कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो चेंज हो जाएगा. तो आंसर जो होगा वो अलग आएगा, सेम आंसर्स नहीं होगा, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है. अब पेयर अप करते हैं, पहले वन का करेंगे, वन कॉमा फोर, नेक्स्ट टू कॉमा फोर एंड देन थ्री कॉमा फोर. तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा जब हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, ठीक है. तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो तीन है. अब सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी. तो इसके लिए हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके बाद बी क्रॉस सी निकालेंगे एंड देन दोनों का जो है इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है. यानी कि इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन जो ऑर्डर पेयर आएगा वो निकाल लेंगे.
तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी पे डिपेंड है, टोटली उसी पे डिपेंड है, और अलग से एक्स्ट्रा कोई ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो जो थर्ड वाला है वो ए क्रॉस बी निकालेंगे उसके लिए पहले। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए ये जो दो सेट है इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ऑर्डर पेयर निकालेंगे इसका, यानी कि पहले वन का करेंगे तो 1,3 आ जाएगा, फिर 1,4, ठीक, ये ऑर्डर पेयर आया। अब सेकेंड का करेंगे, टू का करेंगे तो 2,3 एंड 2,4, 2,3 2,4 ये हो गया। अब थ्री का करेंगे तो 3,3 एंड 3,4, ठीक। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का। इसी तरीके से बी क्रॉस सी करेंगे, तो बी क्रॉस सी करने के लिए बी हमारा ये है और सी ये है। तो सबसे पहले 3,4, 3,5, 3,6 लिखेंगे, इस तरीके से पेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3,4, 3,5, 3,6 ये हो गया। अब फोर का करेंगे तो 4,4, 4,5 एंड 4,6 ये हो गया। हमने दोनों ये निकाल लिया और ये निकाले, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए बी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी सी निकाल लिया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन करना है, यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो करने क्या है, इन दोनों ये जो दो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है इन दोनों में हमें कॉमन जो ऑर्डर पेयर मिलेगा उन कॉमन ऑर्डर पेयर को लिख देंगे। इंटरसेक्शन में यही करते हैं, यानी कि कॉमन निकालते हैं। तो हम सबसे पहला वाला देखते हैं 1,3। तो यहाँ पे अगर आप देखो 1,3 नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है इस सेकेंड वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब 1,4 देखते हैं, 1,4 भी नहीं है। 2,3, 2,3 भी नहीं है। 2,4, 2,4 नहीं है। 3,3, 3,3 भी नहीं है, यानी कि 3,4। तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है जो कॉमन है, यानी कि 3,4 एंड 3,4, उसके बाद कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो इक्वल हो, ठीक है। तो ये हमारा जो इंटरसेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 3,4, ठीक है। तो बहुत इजी है, आपको बस करना क्या था कि पेयर अप करना है हर एक एलिमेंट के साथ। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और इंटरसेक्शन और यूनियन तो हम जानते ही हैं, सेट में पढ़ा था। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और बहुत इजीली इसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन थ्री है इसमें बेसिकली करना क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है, उसका फिर इंटरसेक्शन और यूनियन निकाला था। बट यहाँ पे क्या करना है, उल्टा करना है। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है, अब हमें सेट निकालना था। पहले क्या किया था, सेट दिया गया था और उस सेट के हेल्प से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और इंटरसेक्शन यूनियन फाइंड किया था। बट यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो दिया गया है और हमें सेट फाइंड करना है, जो हमारा सेट ए और बी है वो क्या है, ठीक है। तो उसके जो एलिमेंट्स है वो फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करना है इसे। तो सबसे पहले हमने सेट ए ड्रॉ किया और ये सेट बी ड्रॉ किया, ठीक है, ए बी। अब जो हमारा ए क्रॉस बी दिया है, ए क्रॉस बी वो क्या है, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा वाई, सॉरी एक्स एंड बी कॉमा वाई, ये है, ठीक है। तो हमें सेट ए एंड सेट बी फाइंड करना है। तो जब सेट ए फाइंड करेंगे तो इसमें हमें देखना क्या है, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें जो पहली एलिमेंट होती है, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट कह लीजिए, या फर्स्ट नंबर, या फर्स्ट ऑब्जेक्ट, या कोई भी फर्स्ट एलिमेंट कह लीजिए, तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी सेट होता है उस सेट का एलिमेंट होता है, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो सेट बी का एलिमेंट, सेट बी का एलिमेंट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास टोटल चार ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट है उसे देखने के लिए हम जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें पहला एलिमेंट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर की बात करें तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो ए है, तो हमारा जो सेट का जो पहला एलिमेंट हो जाएगा वो ए, ठीक। अब जब जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है उसमें भी ए है, ठीक, तो हम रिपीट नहीं लिखेंगे, ठीक है। थर्ड ऑर्डर पेयर जो है उसमें बी है, तो यानी कि जो दूसरा एलिमेंट आया हमारा सेट ए के लिए वो बी आया, ठीक है। अब जो फोर्थ ऑर्डर पेयर है उसमें भी बी है, तो इसे भी रिपीट नहीं लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो आया है वो टू आया है, यानी कि ए एंड बी। तो सेट ए में जो एलिमेंट है वो ए है एंड बी है, ठीक है। इसी तरीके से जो बी है हमारा, बी को देखना है, ठीक है। तो जब बी को देखेंगे तो उसके लिए हम सेकेंड एलिमेंट को देखेंगे, ठीक है, ऑर्डर पेयर में। तो इस ऑर्डर पेयर में जो पहला वाला ऑर्डर पेयर है उसमें जो सेकेंड एलिमेंट है वो है एक्स, तो यानी कि जो बी का एलिमेंट है वो एक्स हो गया। सेकेंड ऑर्डर पेयर में वाई है तो इसमें वाई हो गया, ठीक है। थर्ड ऑर्डर पेयर में अगेन एक्स है, तो हमने ऑलरेडी एक्स लिखा हुआ है। और जो फोर्थ ऑर्डर पेयर है उसमें वाई है, तो हमने वो वाई भी लिखा है। तो हमें मिल गया टोटल जो सेट बी है उसमें क्या है, एक्स एंड वाई, और सेट ए में ए एंड बी। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है। तो बेसिकली करना है कि जो पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो सेट ए कहलाएगा, सेट ए के एलिमेंट्स होगा, ठीक है। और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो सेट बी का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर सेट ए दिया है, ए और बी, सेट ए के जो एलिमेंट है ए बी है, और सेट बी का जो एलिमेंट है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसकी मैपिंग कर सकते हैं, यानी कि पेयरअप करने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ए कॉमा एक्स है, तो ए जो है वो एक्स में जा रहा है, ठीक है। ए जो है एक्स के साथ पेयरअप हो रहा है, और ए वाई के साथ भी पेयरअप हो रहा है। बी है, बी एक्स के साथ पेयरअप हो रहा है और वाई के साथ, यानी कि बी एक्स और वाई। तो ये डायग्राम है, एरर डायग्राम है, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने जो कराए थे उसमें अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं और भी क्वेश्चंस लाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। एंड हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।